हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास सिक्स साइंस चैप्टर सेवन एंड पार्ट टू. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम. सम रिमेनिंग फंक्शंस आर देयर. द फंक्शन इज फाइव. थिक एंड फ्लैशी स्टेम मेक फूड. थिक और फ्लैशी स्टेम होते हैं वो भी भोजन बनाते हैं. डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस सो थिक एंड फ्लैशी स्टेम. जैसे कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कि कैक्टस होता है, उनका स्टेम फ्लैशी होता है. दे लुक लाइक थिक लीव्स वेयर एज दे आर मॉडिफाइड स्टेम. ये थिक मोटी पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम होते हैं. दे कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग ड्राई वेदर. ये पानी को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं लॉन्ग ड्राई वेदर में. दे आर ग्रीन कलर शो द प्रेजेंस ऑफ कलर क्लोरोफिल एंड एसेंशियल इनपुट फॉर फोटोसिंथेसिस. इनका जो स्टेम का कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें इसलिए क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इसमें होती है. वी कैन से दैट द मॉडिफाइड स्टेम मेक फूड फॉर द प्लांट. इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं वो प्लांट्स के लिए भोजन का निर्माण करते हैं. सिक्स स्टेम मॉडिफाइड इंटू टेंडल्स गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स. आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कुकुरबिट्स में लौकी और तोरई के जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं. टेंड्रिल्स ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं क्योंकि जो स्टेम होते हैं इनके, ये कुकुरबिट्स जितने भी होते हैं लौकी तोरई के प्लांट का स्टेम काफ़ी वीक होता है और इसलिए इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो इनसे निकलने वाले जो टेंड्रिल्स होते हैं वो पेड़ पौधों को क्लाइंब अप करने में और ये मदद करते हैं. इसलिए इनमें ये टेंड्रिल्स एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को. अब इसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम. रूट और स्टेम के बीच में अंतर. इसके बाद आते हैं हम द लीफ. ए लीफ इज ए फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर. इट अराइज फ्रॉम ए नोड्स ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस. लीफ जो कि एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर की होती है और ये हर ब्रांचेस की नोड्स स्टेम्स से ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस से लीव्स निकलती हैं. यू मस्ट हैव सीन लीव्स ऑफ वेरियड शेप साइज थिकनेस एंड पोजीशन ऑन डिफरेंट प्लांट्स. तो जो लीव देखे हैं आपने, कई विभिन्न प्रकार की साइज थिकनेस और शेप की देखी होंगी. द कॉमन फीचर्स ऑफ द लीव्स आर दैट दे आर ग्रीन कलर एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लेकिन सभी प्रकार के प्लांट्स में पाए जाने वाली लीव्स का कॉमन फीचर है कि इनका कलर ग्रीन होता है और ये प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेवन एंड गेट एन आइडिया अबाउट द लीफ. इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लीव्स में पता लगा सकते हैं कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं. और इस डायग्राम में लीव्स के पार्ट्स को दिखाया गया है. प्रिपरेशन. थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फूड. लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट्स बॉडी. लीव्स का काम होता है प्लांट बॉडी के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करना. द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और वह प्रोसेस जिसमें पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीव्स रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर द मेकिंग फूड. इसलिए लीव्स को रिक्वायर होती है वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की फूड बनाने के लिए. वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें जो वाटर होता है वो तो सॉइल से आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से. और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज अल्टीमेटली स्टोर्ड एज स्टार्च. और जो भोजन पत्तियों में निर्माण हो जाता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है. और ये प्रोसेस लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में और ऑक्सीजन पेड़ पौधों से आउट हो जाती है. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. यहाँ इस एक्टिविटी के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि पत्तियों का जो कलर ग्रीन होता है और किस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर. व्हेन यू विजिट अ गार्डन यू हैव
फाइंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट, वाई डू यू लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स? ऑफ कोर्स फॉर देयर ब्यूटीफुल कलर। आप गार्डन में विजिट करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, लेकिन आपको प्लांट क्यों पसंद आते हैं, फ्लावर क्यों पसंद आते हैं? क्यों इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। फ्लावर्स हैव मैनी फंक्शंस एज यू हैव स्टडी लेटर इन दिस टॉपिक। डू ऑल द प्लांट्स फ्लावर एट द सेम टाइम? नो, इट इज़ नॉट। सम प्लांट्स फ्लावर इन समर, सम वाइल, सम इन विंटर, मेक अ लिस्ट ऑफ। आपने के देखा कि सभी फ्लावर्स सेम टाइम में ही खिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं, कुछ के सर्दियों में खिलते हैं। तो इस प्रकार से हम गर्मियों और सर्दियों में खिलने वाले प्लांट्स फूलों की लिस्ट बनाएंगे इसमें, और यहाँ पर नोट डाउन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। लेट्स एग्जामिन स्ट्रक्चर। जैसे गुलमोहर प्लांट का फूल का आप स्ट्रक्चर देखिए, आपने अच्छे से देखा होगा गुलमोहर का फूल किस तरह से होता है। इसमें एक पेडिशल होता है, एक सेपल होते हैं। तो ये फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, एक पेडिशल, पेडिशल, फिर ये सेपल, पेटल्स और स्टैमंस। पेडिशल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, थ्रोपीस ऑफ फ्लावर इज ज्वाइंट टू द ब्रांचेस। पेडिशल वो पार्ट होता है, स्टॉक होता है फ्लावर का, जो कि ब्रांच से जुड़ा रहता है। द पेडिसल हैज ए फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन द अदर हैंड, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। और पेडिसल्स के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट होता है, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। सेपल्स, ऑन द थैलेमस देयर आर ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थैलेमस के ऊपर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर छोटी छोटी पत्तियों द्वारा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये निकलता है, जिन्हें हम सेपल कहते हैं। ये सेपल्स होता है, और फिर इसके ऊपर छोटी छोटी सी जो सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्ड की पत्तियां निकलती हैं, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। ये होते हैं पेटल्स, ये डिफरेंट कलर के होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं सभी को, इसलिए फ्लावर सुंदर दिखते हैं। कई कलर के, रेड, पिंक, येलो, कई कलर के फूल होते हैं और उनके पेटल्स के कलर होते हैं। इसके बाद इनसे एक लॉन्ग थिन निडल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, आप ये देखते हैं इस तरह से, जिन्हें हम स्टैमिन कहते हैं। स्टैमिन से इस तरह से ये थिन धागे की तरह संरचनाएँ हैं, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट्स फ्लावर का ये जो कि मेल ऑर्गन होता है, इसमें एंथर्स लगे रहते हैं, और इन एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट हैं, एक स्टेमन का जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये फिलामेंटस पार्ट होता है, इसको हम, ये पतला धागे की तरह होता है, और इसमें इस तरह से एक लोब लगा रहता है, जिसे हम एंथर कहते हैं, और एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फिर है कार्पल, इसके साथ में जिस एक छोटा सा एक कार्पल, इस तरह से ये तीन पार्ट्स का होता है कार्पल। इसमें एक तो होता है स्टाइल, फिर होता है स्टिग्मा, इस तरह से होता है, और यहाँ से ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें निकलते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सोलन एज द वेस, एज सोलन एंड ऑफ द वेस एंड लाइज इन अ थैलेमस इज कॉल्ड एन ओवरी। जो स्टाइल होता है, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और नीचे बेस में जाके ये फूला हुआ होता है, और फूला हुआ पार्ट जो होता है इसका थैलेमस से अटैच रहता है। जैसा कि अभी मैंने पहले थैलेमस बनाया था, इस तरह से थैलेमस से अटैच रहता है, ये फूला हुआ सोलन पार्ट रहता है स्टाइल का, इसमें इसे हम ओवरी कहते हैं, और ये स्टाइल होता है, और ऊपर ये स्टिग्मा होता है। तो स्टिग्मा इज ए स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पल। स्टिग्मा जो कि स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पल, ये टॉप पर होता है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स दैट फॉल ऑन इट। तो इसका काम होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना होता है, क्योंकि एंथर में पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। ओवरी इज ए सोलन पार्ट ऑफ द कार्पल, और ओवरी जो कि ये फूला हुआ पार्ट होता है, थैलेमस से अटैच रहता है। इसमें ओव्यूल्स होते हैं, जो कि एक फीमेल पार्ट को वेयर करते हैं, और ओव्यूल्स से ही सीड का निर्माण होता है और फ्रूट का निर्माण होता है। कट द ओवरी अलोंग द लेंथ, ऑब्जर्व द ओवरी कंटेंट्स, यूज योर हैंड लेंस, देयर आर द वाइटेस्ट स्ट्रक्चर इन साइड द ओवरी, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। आप ओवरी को कट कीजिए, और हैंड लेंस की सहायता से आप देखेंगे तो उसके अंदर
बहुत सारे आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे, एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर न जो कि ओवरी के मार्जिन पे जाके अटैच रहता है। गुलमोहर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज देयर फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये अभी मैंने आपको प्लांट्स का स्ट्रक्चर ये बताया था जो इस प्रकार से है। इसमें ये एंथर्स हैं और ये फिलामेंट्स हैं और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो कि चिपचिपा वाला पार्ट होता है, और ये इसमें पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि स्टिग्मा पे जाकर, इसमें स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं, और इसमें स्टिग्मा के अंदर से ये स्टाइल है, इस स्टाइल में से होते हुए ये ओवरी में पाए जाने वाले ओव्यूल्स को फर्टिलाइज कर कर फ्रूट्स का निर्माण करते हैं और सीड का निर्माण करते हैं। द आउटर मोस्ट होल सेट ऑफ द कंपोज ऑफ ग्रीन लीफ लाइक इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। तो जो ग्रीन लीफ सेप स्ट्रक्चर बताया था मैंने भी, जो सेपल्स कहते हैं, ये फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है। द नेक्स्ट इनर होल इज कंपोज ऑफ ब्राइटली कलर्ड, और जो इनर होल होता है जो कि ब्राइट कलर का आपको दिख रहा है, कलरफुल पार्ट जो कि इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इस ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जिसे हम पेटल कहते हैं। और इसके अंदर जो नेक्स्ट राउंड है वो स्टैमेंस होता है, जिसमें एंथर्स होते हैं, एंथर्स टिपर सोलन पार्ट होता है, और एंथर में एंथर से में छोटे छोटे से पोलन ग्रेन होते हैं जो कि प्लांट्स के फ्लावर के मेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ए फीमेल पार्ट, उसका जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट है, ये ओवरी कहलाता है ये इधर पर, और ये फीमेल पार्ट है, और इस फीमेल पार्ट में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो इस जब ये एंथर्स से निकलने वाले पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते ये फिर ये इसमें ओव्यूल में आ जाते हैं और ओवरी में आ जाते हैं। ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, ये जो कि फीमेल सेक्स सेल होते हैं। ओव्यूल्स एंड ओवरी फाइनली डेवलप्ड, और बाद में ओव्यूल्स और ओवरी फाइनली डेवलप्ड, ये बड़ा होता चला जाता है और ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे फिर सीड्स का निर्माण होता है। ये फ्लावर कंटेंस ऑफ ऑल फोर होल्स, इसलिए एक फ्लावर में चार होल होते हैं, सेपल पेटल स्टैमेन एंड कार्पल, इट इज कॉल्ड ए कंप्लीट फ्लावर, इसलिए इसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड चाइना रोज एंड पी, इन द सम फ्लावर्स वन और मोर होल मे बी मिसिंग, सच फ्लावर आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। यदि जिन किसी फ्लावर में कोई ना कोई यदि एक होल मिस होता है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे कि डेट पाम एंड मलबेरी में इसका एग्जाम्पल है, इसमें कोई ना कोई एक होल वोल मिस रहता है। फंक्शन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर पार्ट्स ग्रोन इन गार्डन इन द होम बिकॉज ऑफ ए ब्राइट कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, दैट इज ब्यूटिफाई द सराउंडिंग एंड प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू। जो फ्लावर होते हैं ये गार्डन में ब्राइट कलर के होते हैं, एक तो फ्रेग्रेंस की वजह से लोग इसको लगाते हैं और सुंदर लगते हैं, ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं सराउंडिंग एरिया की, इसलिए ये भी एक मुख्य कार्य है फ्लावर का। इट इज़ ए सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी इंसेक्ट, ये मैनी इंसेक्ट्स के लिए सोर्स ऑफ फूड है। फॉर एग्जाम्पल बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड मेक मनी हनी, और क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि फूलों के रस को बीज चूसती हैं और हनी का निर्माण करती हैं। तीसरा है ए फ्लावर इज सीट और ऑर्गन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। एक फ्लावर जो होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है, और परिणाम स्वरूप उससे फ्रूट और सीड का निर्माण होता है, सीड्स जर्मिनेट करके नए प्लांट्स को जन्म देता है, और इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन के द्वारा कई निर्माण नए पौधों का निर्माण होता है। एंड नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू शुड डू ऑल योर एक्सरसाइजेज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स विद द हेल्प ऑफ PDF। थैंक यू।